भारतीय टेलीविजन के नंबर वन कॉमेडियन यानी कपिल शर्मा का कॉमेडी शो पिछले 11 सालों से दर्शकों का भरपूर एंटरटेनमेंट कर रहा है। समय के साथ साथ भले ही इस शो की स्टार कास्ट, प्लेटफॉर्म और शो का नाम बदला है, लेकिन लोगों के बीच इसका क्रेज आज भी उतना ही है। हाल की बात करें तो नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नाम से कपिल शर्मा का कॉमेडी शो खूब पसंद किया जा रहा है। इसी बीच एक राइटर ने इस कॉमेडी शो को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसे हर कोई हैरान है। तो कौन है वो जिसने कपिल शर्मा के शो के बारे में कुछ कहकर हर किसी को हैरान कर दिया, और ऐसा क्या कह दिया उन्होंने, चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है लता और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दरअसल फेमस कॉमेडी शो FIR और ABCD फिल्म लिखने वाले राइटर अमित आर्यन ने कपिल शर्मा के शो को वल्गर बताया है। उन्होंने इसे इंडियन कॉमेडी शो के इतिहास का सबसे खराब शो बताया है। डिजिटल कॉमेंट्री नाम के एक यूट्यूब चैनल के साथ बातचीत में अमित ने कहा कि कपिल शर्मा का ये शो भारतीय कॉमेडी के इतिहास का सबसे खराब शो है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अमित कहते हैं कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल लग सकता है, लेकिन मुझे ये कहने का हक है क्योंकि मैं कपिल शर्मा, कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। अमित आर्यन ने कपिल शर्मा के शो को वल्गर बताया है और उन्होंने कहा है कि इस शो में महिलाओं का अपमान किया जाता है। तो अमित यहीं नहीं रुके और वो आगे कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हर जगह करना चाहिए। वो यानी कि कृष्णा अभिषेक सपना का किरदार केवल नीच बातें करने के लिए करते हैं। तो राइटर यहीं नहीं रुके और उन्होंने शो के साथ साथ कपिल शर्मा पर भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि कपिल अकेले शो नहीं चला सकते, वो बिना कास्ट के कुछ नहीं है। अगर आप कपिल शर्मा के शो को ध्यान से देखेंगे तो देख पाएंगे कि शो को कपिल नहीं बल्कि दूसरे किरदार चला रहे हैं। अमित आगे कहते हैं कि कपिल शर्मा ने आई एम नॉट डन येट नाम से एक शो भी रिलीज किया था। किसी ने भी उस शो को नहीं देखा क्योंकि किसी को भी उनकी बातों में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। तो अगर आपने भी कपिल शर्मा के शो का नया सीजन देखा है तो आप राइटर अमित आर्यन की बातों से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।